सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल में। प्रणाम आपको। राजन जी महाराज, एक सवाल। हम अपना कार्य कर रहे हैं, अब जहाँ छूटना होगा राघव जी जाने कहाँ छूटना। जितना बड़ा बर्तन है उसके पास उतना आता है, कोई कटोरी लेके आता है कटोरी भर ले जाता है, कोई बाल्टी लाता है तो बाल्टी भर ले जाता है। अपनी मिट्टी पर सबको गर्व होना चाहिए, जो नहीं गर्व कर रहा है मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। अब रघुनाथ जी के विवाह की कथा में उड़िया में तो गाएंगे नहीं, वो तो भोजपुरी मैथिल में ही गाए जाएंगे, और कुछ आता ही नहीं है। राम जी कथा भी देख देख के गाते हैं, वो भी गोस्वामी जी ने अवधि में लिख दिया तो उद्धार हो गया, संस्कृत में लिखते तो भी न गा पाते। आप सबको धनतेरस, दीपो के पर्व, दीपावली और महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आदित्य, संस्थापक नन्हे कदम फाउंडेशन, आप सबको दीपों के पर्व दीपावली और बिहार के महापर्व भगवान भास्कर की आराधना के पर्व छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही सभी भाइयों, बंधुओं और बहनों से अपील करता हूं, इस छठ घर जरूर आए। बिहार को आपका इंतजार है, आपके गाँव को आपका इंतजार है। ये छठ पर्व हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम सब अपने गाँव आते हैं, अपने घर आते हैं और इस छठ पूजा अपने गांव और अपने घर को प्रेम से सजाते हैं। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज भारत, मैं जीत उपाध्याय। अभी हम उपस्थित हैं राजन जी महाराज, जो कि कथावाचक इंडिया कहा जाए या फिर विश्व स्तर पे कहा जाए, जो एक अपनी छवि बना करके रखे हैं और उस छवि को कहीं ना कहीं आगे भी बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और एक चीज आपको बता दें कि ये सिवान की धरती से आते हैं और सिवान वीरों की धरती रही है, सिवान आदि पुरुषों कहा जाए या फिर वीर पुरुषों की धरती रही है। यहाँ से बड़े बड़े लोग निकले हुए हैं और इसी धरती से कहीं ना कहीं राजन जी महाराज भी निकले हुए हैं और आज सिवान की धरती पे पहुंचे हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल में। प्रणाम आपको। राजन जी महाराज, एक सवाल आपसे ये कि आप सिवान की धरती से निकले हैं, सिवान यहीं से बगल में, देश के प्रथम राष्ट्रपति, काफी लंबे तक, अभी तक इतिहास के सबसे लंबे समय तक के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र बाबू, क्या लगता है इस धरती से निकलने के बाद ऐसे ऐसे चेहरे सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं इतिहास बना करके छोड़ देते हैं? धरती का सौभाग्य और हम लोग का सौभाग्य, इस धरती का सौभाग्य ही माना जाए कि आप अपनी भी छत भी कहीं ना कहीं विश्व स्तर के पटल पे छोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हम अपना कार्य कर रहे हैं, अब जहाँ छूटना होगा राघव जी जाने कहा। अभी कुछ दिन पहले आप मॉरिशस गए थे, दुबई गए थे, वहाँ पे आपने कथा वाचन किया, वहाँ पे जो आपके यजमान कहा जाए, जो आपके भक्त कहा जो लोग बुलाए थे, आप वहाँ पे गए थे, क्या वहाँ पे संदेश क्या गया? कथा ही अपने आप में एक संदेश है, एक व्यक्तित्व को कैसा होना चाहिए, अगर इसको सीखना है तो भगवान श्री राम की कथा को सुनिए। और उसी कथा को जितनी ठाकुर जी ने मति दी है, जितना गुरुजनों से सुना है, उसी को हम दोहराते हैं, अपने मन से कुछ नहीं बोल पाते। तो कथा के माध्यम से जिसको जो सुनना होता है, जिसके पास जितना बड़ा बर्तन है उसके पास उतना आता है, कोई कटोरी लेके आता है कटोरी भर ले जाता है, कोई बाल्टी लाता है तो बाल्टी भर ले जाता है। सब अपनी मति के अनुसार सुनते हैं, उसको अर्थ निकालते हैं और सौभाग्य रहता है तो उसको जीवन अनुसार होता है। आपको गर्व होता है कि आप सिवान की धरती से, आपको गर्व होता है कि आप सिवान की धरती से हैं, बिहार से हैं? क्यों नहीं गर्व होगा, अपनी मिट्टी पर सबको गर्व होना चाहिए, जो नहीं गर्व कर रहा है मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। जहाँ पे आप कथा, जैसे कि आप मॉरिशस गए, दुबई गए या फिर बिहार से बाहर यानी अन्य राज्य में जाते हैं, वहाँ पे कथा जो होती है मैक्सिमम भोजपुरी में होती है या हिंदी में होती है? कथा का मूल तो हिंदी है, हिंदी के साथ चूंकि रघुनाथ जी अवध क्षेत्र के हैं, मेरी माँ बिहार मिथिला क्षेत्र की है, तो अवध और मैथिली को छोड़कर आप राम कथा को पूर्ण नहीं कह सकते। तो हम लोग कथाओं को गाते हैं तो उसमें हिंदी भी बोलते हैं, इधर इस क्षेत्र में गाते हैं तो भोजपुरी भी बोलते हैं, और विश्व में कहीं भी कथा करें तो भोजपुरी भजन गाते ही गाते हैं। अब रघुनाथ जी के विवाह की कथा में उड़िया में तो गाएंगे नहीं, वो तो भोजपुरी मैथिल में ही गीत गाए जाएंगे। तो कहीं भी कथा गाते हैं तो भोजपुरी का समावेश तो होता ही है उसमें। कहीं कथा कहने गए तो उस दरमियान का, क्योंकि आपने बताया कि 11 साल हो गए हमें कथा वाचक करते हुए, उस दरमियान कहीं ये मतलब मांग किया गया कि सिर्फ आप भोजपुरी में ही कथा को सुनाइए? नहीं, ऐसा नहीं है, सुनने वाले खो जाते हैं, उनको याद ही नहीं रहता कि भोजपुरी हो रही कि हिंदी हो रही है, लीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। क्या कहिएगा जो लोग सुन रहे हैं और जो आपसे जुड़े हैं, जो आपको मानते हैं, कहीं ना कहीं सिवान की धरती पे भी आपने काफी कथाएं कही है और आगे भी कार्यक्रम आपका होने वाला है जैसे कि आप बता रहे थे, तो क्या अपील करिएगा जो लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं और जो आपको जानते हैं, कहीं ना कहीं एक दर्जा देते हैं, एक अस्तित्व देते हैं, उनसे क्या कहिएगा? मेरी प्रार्थना है कि भगवान श्री राम के चरित्र को पढ़ें,
पढ़कर उसको गुने समझें और जितना हो सके जीवन में उतारने का प्रयास करें, और इसके साथ अपने जीवन में जो कर्तव्य ठाकुर जी ने दिया है ईमानदारी सोच का निर्वहन करें। कथाएं सिर्फ श्री राम जी की यानी रामायण की होती हैं, अलग भी होती हैं? कथाएं तो बहुत होती हैं आपके द्वारा। नहीं, दूसरा कुछ आता ही नहीं है, और कुछ आता ही नहीं है। राम जी कथा भी देख देख के गाते हैं, वो भी गोस्वामी जी ने अवधि में लिख दिया तो उद्धार हो गया, संस्कृत में लिखते तो भी न गा पाते। संस्कृत में लिखते तो भी नहीं गा। नहीं, संस्कृत का ज्ञान आपको है ऐसा नहीं है। और एक चीज रहेगा कि गुरु जी आपसे कि जैसे आप मॉरिशस में आपको सम्मान दिया गया, सिवान के लोग या बिहार के लोग कहीं ना कहीं, बल्कि भारत के लोग को कहा जाए, कहीं ना कहीं गर्व का एक क्षण था कि एक हमारे सिवान के लाल को कहीं ना कहीं मॉरिशस में सम्मान दिया जा रहा है, तो उस समय क्या महसूस कर रहे थे? वास्तव में अच्छा लगा, रघुनाथ जी कृपा है। मुड़ो पाई माओ, इसको इसको इस क्रेडिट को यानी जो सम्मान आपको मिला किसको देते हैं? रघुनाथ जी कृपा तो उस लाख में था। जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है ये कृपा का परिणाम है। यहाँ सिवान की जो जनता है, सिवान के जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं आपसे आशा अपेक्षा और ये चीज देखते हैं, तो बहुत सारे ऐसा हो सकता है भविष्य में उभर करके कथावाचक आ जाए। राजनीतिकार तो बहुत आते हैं, कलाकार तो बहुत आते हैं, लेकिन कथावाचक सिवान में शायद हमारी जहां तक जानकारी है एक राजन जी महाराज हैं। नहीं, बहुत सारे। अब आपके सम्मान के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं कहीं पहुंचा नहीं हूँ, मैं सीधा अपना काम कर रहा हूँ। जहाँ रघुनाथ जी लेके जाएंगे वो जाने, कभी सोचा नहीं इस विषय पर। कभी सोचा नहीं? क्या अपील करिएगा हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं देख रहे हैं उनसे क्या अपील? अभी मैंने कहा भगवान की कथा सुनिए, उसको गुनिए समझिए, जीवन उतारिए और अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करिए। पूर्व में आपने एक बात कही थी, थोड़ी सी माइंड में आ गया कि किचन और वो चीज है, वहाँ पे आप क्या चीज लेकर के जा रहे हैं इस बात को ध्यान रखना चाहिए। हाँ, किचन आपने एक प्रोग्राम यहाँ पे हुआ तो उसमें एक चीज रखा आपने जो किचन होता है, यानी अपने घर में किन चीजों को, किन वस्तुओं को और किस तरह से आप कार्य करते हैं उस चीज पर ध्यान देना। मैंने कहा कि आप पहले अपने को जानिए आप क्या है, अपना आहार शुद्ध करिए, अपना व्यवहार शुद्ध करिए, अपना स्वरूप शुद्ध करिए, अपने को ठीक करिए तो समाज आपको ऐसे पूछे। ठीक ठीक ठीक। जय सीताराम। सभी भक्तजनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। हम ताहिर रानी अपने गांव में कुछ काम रहा व्यक्तिगत, काल शोभित बाबू बहनी और ईजा के सूचना मिलल, हमरो सौभाग्य रहल कि हमें जाए बहनी ना इतनी, तो इतना लोग के दर्शन कैसे हुए। आदरणीय टूना जी से लगभग 4-5 साल बाद भेंट होता, गांव ही एगो विवाह में भेंट भई रहे, जौन जौन बोले के रहा लोग बोल दिले बा। हम खाली एगो बात आपसे निवेदन करें, हमार पूज्य महाराज श्री हमसे वो बात कहे रहे बहुत पहले के बाबू, घर में परिवार में कोनो भी राय देवे के पहले वो लायक पहले बन जाइए फिर राय दिए। यदि आप कुछ नहीं है तो बाहर तो छोड़िए, घर में भी आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, तो पहले हम अपने को व्यवस्थित करें। हम जब व्यवस्थित होकर जब कोई बात कहेंगे तो समाज में ही नहीं बहुत दूर तक उसका प्रभाव पड़ेगा। अभी सुबह सुबह कुछ लोग आए थे निवास पर, तो हमने उनको एक ही बात कही, हमारे चाचा थे बहुत पहले, अब तो नहीं रहे, भोजपुरी जगत के अद्भुत गायक आदरणीय गायत्री कुमार ठाकुर जी, आप में से कई लोग बुजुर्ग लोग वहां के जानते हो, तो वहां के वो गाना गाई, हम अपनी कथा में कभी कभी के गुनगुनाओत रहनी। अरे रउवा अपने के पहचानी, एक आदमी मिला लगभग 6 साल पहले हमसे, तो कहल कि महाराज जी हमारी अखिया में एक्सरे मशीन सेट पाए।